हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ओशन सॉल्ट वाटर। जी हाँ, यानी कि समुंदर के अंदर इतना सारा नमक आता कहाँ से है। अब लोग अनुमान लगाते हैं लेकिन आज तक कोई इसको अज्यूम करना या इसको समझना कि कैसे हमारे समुंदर में इतना सॉल्ट आता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। तो होता क्या है दोस्तों, बेसिकली हमारे जो सोर्स है सॉल्ट जनरेट होने के समुंदर के अंदर, उसके दो तरीके हैं। एक तो होता है हमारा मूविंग वाटर, मूविंग वाटर यानी कि हमारा जो नदियों का बहता हुआ पानी है, और दूसरा होता है हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे समुंदर के अंदर होते हैं, जो हमारा ओपन सी फ्लोर होता है। तो ओपन सी फ्लोर इज बेसिकली जो हमारा अंदर लावा के अंदर से जो हीट निकल कर आती है हमारी मेंटल में से, उसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा मूविंग वाटर है यानी कि जो हमारी नदियां बह रही हैं, वो जो इतने सारे मिनरल्स लेकर आ रही हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जब समुंदर से पानी इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने के बाद जो कंडेंसेट होता है, जो हम वाटर साइकिल में बेसिकली छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसमें जब हमारा पानी जो है कंडेंसेट होता है, बरसात होती है, बरसात होने के बाद क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन है और उस कार्बन की वजह से हमारा पानी जो है बहुत एसिडिक वाटर हो जाता है, जिसको हम एसिडिक रेन वाटर कहते हैं। वो एसिडिक रेन वाटर जब हमारा रॉक्स पे पड़ता है या पत्थरों पे पड़ता है, उसके बाद वहां से जब वो मूव करता है तो वहां से कुछ पत्थर ब्रेक होते हैं और कुछ मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं और यहां से कुछ मात्रा सॉल्ट की जनरेट होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वहां से जो पानी काफी सारे हजारों किलोमीटर का रास्ता नदियां तय करती हैं, पानी मूव होता है और पानी मूव होते 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 समुंदर तक पहुंचता है, तो वो काफी सारा मिनरल्स अपने साथ लेके जाता है, जनरेट करता है सॉल्ट वाटर, जो कैल्शियम वगैरह सब यहां से जनरेट होता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पर। जब ये पानी हमारा समुंदर में ऐड हो जाता है यानी समुंदर में चला जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे समुंदर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जब हॉट वाटर होता है, हमारे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वो जब हमारे पानी के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन में हमारे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फेट ये रिलीज कर देता है वो सॉल्ट वाटर, और उसमें फिर ऐड होता है हमारा आयरन, जिंक और कॉपर। ये तीन चीज ऐड होने से फिर हमारा एकदम सॉल्ट वाटर तैयार हो जाता है समुंदर में। तो यहां से बनता है हमारा सॉल्ट वाटर समुंदर के अंदर। और अब बात करेंगे, यहां से एक सवाल उठ रहा होगा कि फिर नदियों का पानी इतना सॉल्टी क्यों नहीं होता, उसमें नमक क्यों नहीं महसूस होता। देखिए दोस्तों, नमक तो उसमें भी होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी ओशंस में होती है। लेकिन नदियों का जो पानी होता है वो मूविंग वाटर होता है, तो वहां पे जो नमक की जो मात्रा है वो पकड़नी या उसको टेस्ट करना या वहां पे जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। पानी जो है कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है वहां से, इसलिए वहां पे सॉल्टी वाटर को टेस्ट करना या वहां से टेस्ट करना ही बड़ा अपने आप में, इसलिए हमें महसूस ही नहीं होता कि वहां पे सॉल्ट वाटर होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सॉल्ट वाटर के बारे में। इससे रिलेटेड आप और भी कोई वीडियो जानना चाहते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं भी अपने चैनल से थोड़ा सा कहीं मोटिवेट हो सकूं और जान सकूं कि लोगों को मेरा काम अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। और आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप डालिए, मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।